तो क्या आपको भी आई मेकअप का बहुत शौक है बट गाइस आप आई मेकअप नहीं कर पाते हैं, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बेहतरीन से प्रोडक्ट का रिव्यू और आपकी इस समस्या का समाधान भी। हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रंजना एंड वी आर वॉचिंग योर चैनल रंजना ओरा। गाइस सबसे पहले थैंक यू सो मच टू लव मी हेयर, टू सपोर्ट मी हेयर, एंड जो भी व्यूअर मेरे चैनल पे आज न्यू है, मुझे पहली बार देख रहे हैं, उन्हें बताना चाहूंगी गाइस कि माय चैनल इज रिगार्डिंग ऑल अबाउट अ वुमन इन। तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि शॉपिंग हॉल, मेकअप वीडियो, बहुत सारे DIY, और साथ ही साथ गाइस मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ टाइम टू टाइम नॉन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के रिव्यू भी। तो यहाँ पर आपको मिलती है जेन्युइन सलाह, चैनल बचाता आपके ढेर सारे पैसे भी, और मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर करती हूँ। तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर आपने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया है तो गाइस मुझे दोबारा देखने के लिए थैंक यू सो मच। नाउ गाइस शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सा वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बेहतरीन सा प्रोडक्ट जो कि होने वाला है गाइस स्विस ब्यूटी का ये ग्लिटर लिक्विड आई शेडो। ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, अगर आपको आई मेकअप नहीं आता है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही यूजफुल होने वाला है। क्योंकि गाइस होता क्या है, हम बहुत ज्यादा नोविस जब होते हैं तो हमें ब्रशेस का बहुत आइडिया नहीं होता और हम कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसे कलर पिक कर लेते हैं, एंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है जब हम यूज करते हैं ग्लिटर्स, क्योंकि वो फॉल होते हैं, फिर वो यहाँ 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 अलग अलग जगह पे जाते हैं। उसके लिए गाइज ये बहुत ही बेहतरीन सा प्रोडक्ट है, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज कि ये गाइज अवेलेबल है 12 शेड्स में। तो आपको बहुत ही ज्यादा वैरायटी मिल जाती है ग्लिटर्स की, मतलब मल्टीपल कलर्स भी अवेलेबल है गाइज इस ब्रांड में। साथ ही साथ गाइज स्विस ब्यूटी एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत ही अफोर्डेबल होने के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है, एंड ये जो प्रोडक्ट है मात्र गाइस कह लीजिए कि इसका जो चार्ज है या इसका जो प्राइस है मात्र 192 रुपीज में मुझे ये मिला है, एंड 230 तक ये जाता है, मतलब अलग अलग वेबसाइट पे। काफी अच्छा नेटवर्क है गाइस, ये आपको अमेजोन, नाइका, इवन फ्लिपकार्ट, इनकी खुद की वेबसाइट और भी बहुत सारे ऐसे पेजेस है गाइस, वहां पर भी आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, इवन आपको ये लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा। तो इनका अच्छा खासा नेटवर्क है, एंड अलग अलग साइट पे गाइज इनका प्राइस वेरी करता है, तो ये टोटली अप टू यू है कि जहां पर आप इसका बेस्ट प्राइस देखें वहां से इसको पिक करें। तो गाइज हम इस प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये लिक्विड फॉर्म में आता है, तो हमें बहुत ज्यादा बेस वगैरह की चिंता नहीं होती कि हमें ग्लिटर यूज करना है तो सबसे पहले हम बेस यूज करें, देन उस पर ग्लिटर को हम प्रेस करें, क्योंकि गाइज अगर आपका बेस अच्छा नहीं होता तो ग्लिटर ना फॉल होता है, ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज इसकी यही है कि अगर आपको मेकअप नहीं आता है बट आई शेडो का आपको बहुत शौक है तो सिंपली गाइज आई लाइनर से पहले आप इसको सिंपल सा फिंगर में यूज कीजिए एंड अच्छे से इसको स्प्रेड कर लीजिए। मैं गाइज इसका आपको ये कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि डायरेक्ट एप्लीकेटर से ही आप यूज करें, देखिए इसका एप्लीकेटर ऐसा है, बट होता क्या है एप्लीकेटर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी आ जाती है प्रोडक्ट की, राइट। अगर आपने यहाँ रखा इसको और देन आप उसको गाइज स्प्रेड करना शुरू करेंगे तो कहीं ज्यादा कहीं कम ये भी हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, सिंपल सा ऐसे अपने फिंगर्स में ले लीजिए, देखिए मैंने बहुत जरा सा लिया है। सबसे पहले तो गाइज मैं इसका आपको शेड दिखाती हूँ, लोग ये बेहतरीन सा इसका शेड है, एंड जो पिगमेंटेशन है गाइज ये बहुत ज्यादा अच्छी है। अभी आप मेरी आईज पे देखेंगे 8 आवर्स से ज्यादा हो चुका है गाइज मुझे इसको अप्लाई किए हुए, एंड बिल्कुल वैसा ही है। तो इस प्रोडक्ट की जो बेस्ट चीज ये है कि बिल्कुल भी गाइज ये ऐसा नहीं है कि चौकी है या बहुत ज्यादा पाउडरी है, एकदम से गाइज सेट हो जाता है। देखिए यहाँ से अभी ये जब सूख जाएगा ना तो ये बहुत अच्छे से आपकी आई पे सेट हो जाता है। तो बेस्ट पार्ट इस प्रोडक्ट का यही है कि गाइज ये काफी टाइम तक बना रहता है, एंड इसका जो शाइन है कभी भी गाइज जो पाउडर वाले होते हैं वो इसको मैट नहीं कर सकते हैं, जो इसकी अमेजिंग सी शाइन है। एंड जितने भी कलर आते हैं गाइज स्विस ब्यूटी के इस ब्रांड में, इस ग्लिटर लिक्विड आई शेडो में अमेजिंग कलर दिया है, मुझे तो इतना पसंद है इनका, जितने भी कलर्स हैं गाइस। अभी मेरे पास 3 था जिसमें से 2 तो मेरे सिस्टर्स ने ले लिया, बट अभी मेरे पास ये है और मुझे ये वाला कलर काफी ज्यादा पसंद भी है। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी गाइस कि ये कौन सा शेड है, हर एक शेड का 305 ऐसे करके है, एंड अलॉन्ग विद नेम भी है, कुछ में सिर्फ कोड है। तो गाइज इस तरह से इनके शेड्स है, नायका पे आपको 12 शेड्स अवेलेबल है, तो आप वहां से बाय कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, मैं अमेजोन की लिंक दे दूंगी, तो आप नायका से भी बाय कर सकते हैं, अमेजोन से भी बाय कर सकते हैं,
और भी वेरियस कॉस्मेटिक साइट से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ये हर जगह पे अवेलेबल है और बहुत ही ज्यादा इजी है एप्लीकेशन में। तो मेरी वो ब्यूटीज जो आई मेकअप करना चाहती हैं, अक्सर शादी पार्टी में जाने से पहले उनको यही रहता है कि मुझे नहीं आता बट मैं मेकअप कैसे करूं, तो ये एक अमेजिंग सा प्रोडक्ट है जो कि सुपर अफोर्डेबल है, बहुत इजी है गाइज अप्लाई करने में। देखिए ये बिल्कुल सूख गया, अब ये कहीं से भी मूव नहीं होगा, देखिए बिल्कुल भी ये फॉल नहीं होता कि आपका यहाँ 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 कहीं आ गया। बस आपको जब अप्लाई करना है तो मैं आपको यही सजेशन करूंगी कि या तो आप एक ब्रश ले लीजिए और उससे इसको स्प्रेड कर लीजिए, या गाइज फिंगर तो बेस्ट होती है, तुरंत आप इसको अपने लिप पे डालिए एंड प्रेस करके स्प्रेड कर लीजिए, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है इसको अप्लाई करने का। एंड क्वालिटी वाइज प्राइस वाइज मेरी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड है। तो अगर आप इस तरह का प्रोडक्ट चाहते हैं, एंड एक और चीज़ तो मैं बताने भूल गई, देखिए गाइज इस समय ग्लिटर आईलाइनर का बहुत ट्रेंड है, तो इसका जो गाइज ये है ना एप्लीकेटर, इसको आप इस तरह से करके देखिए, इस तरह से करके आप अपना एक आईलाइनर ग्लिटर आईलाइनर भी यूज कर सकते हैं, इसको एज अ ग्लिटर आईलाइनर भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इसीलिए पसंद है कि, और हाँ अगर आप इससे नहीं कहते हैं कर पा रहे हैं ग्लिटर आईलाइनर का काम, तो आप ब्रश यूज कर लीजिए, बहुत ही अच्छी चीज है, और ब्रश को तुरंत क्लीन कर दीजिएगा, नहीं तो गाइज आपके ब्रश में ये चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि आप यूज करने के बाद ऑयल से एंड टिश्यू पेपर से लेके अच्छे से उसको प्रेस करके हटा दीजिए, देन वॉश कर दीजिएगा बाद में, बट तुरंत का तुरंत आप ये कर दीजिए ताकि इसका जो ये ग्लिटर है ना ये हट जाए। एंड ये बहुत अमेजिंग है, मैं यहाँ पे गाइज देखिए सूख भी गया है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना अमेजिंग है, बहुत 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 ज्यादा रिजनेबल भी है एंड आपके सारे पर्पज को फुलफिल भी करता है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड आइटम है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पर बाय लिंक भी आपको मिल जाएगी। और इस तरह सो या गाइस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है मतलब आपको वीडियो पसंद आई है। अगर मेरी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड गाइस प्लीज 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 सपोर्ट मी हियर, प्लीज मेरी फैमिली का हिस्सा बने रंजना अरोरा को सब्सक्राइब करके। एंड मैं आपके लिए लाऊंगी नेक्स्ट वीडियो जो की होने वाली है एक अमेजिंग सी DIY। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बटन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। नाउ गाइस मुझे देखने के लिए, मेरी इस इन्फॉर्मेशन को एंजॉय करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।